हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सैस के ऊपर एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ जो कि बिगिनर्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप वेब डिज़ाइन करते हैं तो आप HTML, CSS, jQuery ये तीनों के बारे में तो जानते ही है, और बूटस्ट्रैप के बारे में भी जानते हैं, है ना? क्योंकि बूटस्ट्रैप एक पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क है, तो उसके बारे में तो जानना ही चाहिए अगर आप वेब डिज़ाइनर के तौर पर काम करते हैं। अभी बूटस्ट्रैप 4 ऑलरेडी आ चुका है, बहुत दिन हो गया है, और बूटस्ट्रैप 4 सैस के ऊपर बेस करके बनाया गया है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि बूटस्ट्रैप 4 का एक ट्यूटोरियल सीरीज़ में निकालूं, लेकिन वहाँ पे सैस का यूज़र्स है, तो इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं सैस के बारे में एक ट्यूटोरियल पहले बना दूँ, उसके बाद जाके मैं बूटस्ट्रैप 4 का ट्यूटोरियल सीरीज़ निकालूंगा। तो इसीलिए मैं आज सैस के ऊपर ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारा डिज़ाइनर्स है जो कि सैस के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि ये एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में आता है, जो कि CSS विथ सुपर पावर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि CSS अगर आप जानते हैं, आप अगर डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, CSS में बहुत सारी दिक्कतें आता है, तो वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही ये सैस डेवलप हुआ है। तो इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग वही देखेंगे कि सैस हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सैस का फ़ायदा क्या है, और इसका बेनिफिट हम लोग कैसे उठा सकते हैं बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है? तो सैस बेसिकली क्या है? सैस का फुल फॉर्म है सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे टाइटल में दिया हुआ है, ठीक है? तो जैसे कि आप देखें कि इसके नाम पर ही ऑसम है, तो यहां पर ऑसम क्या चीज़ होने वाला है, तो वो पहले हम लोगों को जानना है। और यहाँ पे बीच में आप देख पा रहे हैं कि मेन टाइटल पे लिखा हुआ है बड़ा करके कि CSS विथ सुपर पावर्स, तो ये ऑसम सुपर पावर्स क्या है, ये हम लोगों को जानना है पहले, तब जाकर हम लोग जानेंगे कि ये हम लोगों को क्यों सीखना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे देखिए, CSS में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग HTML CSS से डिज़ाइन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय का हम लोगों को जो डिज़ाइन रहता है वो स्टैटिक रहता है, वो तो हम लोग जानते हैं। और उस डिज़ाइन को एक्चुअल एप्लीकेशन में डालने के लिए वहाँ पे हम लोगों को सर्वर साइड लैंग्वेज कुछ यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि PHP हो गया, मिनस्टैक हो गया, पाइथन हो गया, इस टाइप का हम लोगों को सर्वर साइड का लैंग्वेजेस यूज़ करना पड़ता है कि उसको एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो ये सैस इसको एप्लीकेशन नहीं बनाता है, लेकिन CSS में हम लोग जो कोड लिखते हैं उस कोड को डायनामिक बनाता है। कैसे डायनामिक बनाता है? जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी लैंग्वेज में हम लोग काम करते हैं, जैसे कि PHP में काम किए या JavaScript के ऊपर काम कर रहे हैं, पाइथन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये लैंग्वेजेस के ऊपर हम लोग जब काम कर रहे हैं, तो उस वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ रहता है, जिससे कि हम लोगों को डेवलपमेंट में आसानी रहता है। जैसे कि वहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारा फीचर्स रहता है जिससे कि डेवलपमेंट कोड लिखना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CSS में भी सैस ये पावर दे रहा है। जैसे कि सैस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके बाद वेरिएबल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कोड मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग काइंड ऑफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे उसको फंक्शन नहीं बोला जाता है, यहाँ पे उसको कुछ दूसरा नाम यूज़ किया जाता है, लेकिन वो फंक्शन के हिसाब से ही यूज़ होता है। फंक्शन जिस टाइप का काम करता है वो भी उसी हिसाब से काम करते हैं। तो ये बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स में थाउजेंड्स ऑफ CSS लाइंस रहता है, तो वो मैनेज करना दिक्कत हो जाता है उस समय। तो उस समय अगर हम लोग सैस के ऊपर काम करते हैं, सैस के ऊपर डेवलप करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम लोगों का कोड मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को सैस सीखना चाहिए, और सैस का रिक्वायरमेंट है आज के डेट में एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर के हिसाब से काम करते हैं, या फिर UI UX डेवलपर के हिसाब से काम करते हैं, तो फिर आपको तो सैस जानना ही चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए सैस जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जान के ही हम लोग बूटस्ट्रैप 4 के ऊपर भी काम कर सकते हैं, उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर बूटस्ट्रैप 4 के ट्यूटोरियल के लिए भी इंटरेस्टेड है, और सैस के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि बूटस्ट्रैप 4 का ट्यूटोरियल के लिए आप कितना इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो फिर चलिए इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। तो
ये ट्यूटोरियल मैं दो पार्ट में करूंगा। ये पहला पार्ट में मैं यहाँ पे तीन चीज़ें दिखाऊंगा, जहाँ पे पहले मैं वेरिएबल दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे नेस्टेड कोड हम लोग कैसे कर सकते हैं वो दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे कोड मॉड्यूलेशन करना दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ मैं इस ट्यूटोरियल में दिखाने वाला हूँ, और सेकेंड पार्ट में मैं इसके ऊपर और भी एडवांस चीज़ें दिखाऊँगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सैस को हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो सैस को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल टैब है। यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कमांड लाइन का ऑप्शन है, एप्लीकेशंस का ऑप्शन है, तो हम लोग कमांड लाइन चूज़ करेंगे, क्योंकि कमांड लाइन अगर हम लोग यूज़ करके काम करते हैं तो हम लोग एडवांस यूज़र के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो हम लोगों को कमांड लाइन यूज़ करना चाहिए, एप्लीकेशन नहीं यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कमेंट लाइन है वो है npm। ठीक है, और उसके बाद और भी कमेंट लाइन है, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं है और उतना ज़्यादा वाइडली यूज़ भी नहीं होता है। आप npm के बारे में सुने होंगे। npm क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको नोड js इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आपको node.js.org ये जो साइट है यहाँ पे आके आपको ये LTS वर्शन डाउनलोड कर लेना होगा अपने मशीन में। ठीक है, तो ये LTS वर्शन अपने मशीन में आप इंस्टॉल कर लेने के बाद, उसके बाद नोड इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना होगा। ठीक है, मैक यूज़र्स के लिए ये टर्मिनल है और विंडोज़ के लिए ये कमेंट प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आके आप यहां पे देख सकते हैं कि नोड का वर्शन क्या है। अगर आपका मशीन में प्रीवियसली इंस्टॉल है तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि आपके यहां पे नोड का वर्शन क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे यहां पे पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि नोड वर्शन 10.15.3 वर्शन है। ठीक है, जो कि यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये LTS वर्शन भी है करंटली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नोड जब इंस्टॉल हो गया तो नोड के साथ साथ npm भी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा? अभी हम लोगों को सैस इंस्टॉल करना होगा। तो सैस के लिए हम लोगों को यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि npm install -g sass। ठीक है, तो ये हम लोगों का कोड है, तो ये कोड को आप कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं। विंडोज़ यूज़र के लिए वही कोड है, और मैक के लिए पहले आपको sudo दे देना होगा, उसके बाद जाके आप npm install -g sass देंगे, -g फॉर ग्लोबल। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबली हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं अपने मशीन पे sass को। ठीक है, तो ये देके आपको इंटर कर लेना होगा, तब जाके आपका sass इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ। तो सैस इंस्टॉल हो जाने के बाद सैस को भी चेक करेंगे, जैसे कि हम लोग नोड वर्शन को चेक किए थे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग देंगे सैस डैश डैश वर्शन। तो यहाँ पे आपका करंट वर्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे 1.17.2, ठीक है, तो ये वर्शन दिखा रहा है, तो सैस मेरे मशीन पे इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो अभी मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ जहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स HTML है और CSS फोल्डर है जहाँ पे स्टाइल CSS है, और यहाँ पे मैं SCSS एक फोल्डर क्रिएट किया हूँ जहाँ पे मैं input.scss फाइल रखा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो अभी फ़िलहाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सब फाइल एम्प्टी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो ये बेसिक HTML का एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ सास ट्यूटोरियल। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे लिंक किया style.css फाइल से। ठीक है, मैं scss फाइल से लिंक नहीं किया हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि जो ब्राउज़र में रन होगा वो css फाइल ही रन होगा। ठीक है, वहाँ पे scss फाइल रन नहीं होगा। scss फाइल में क्या होता है, scss फाइल में हम लोग कोडिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और सैस क्या करेगा, सैस उसको कंपाइल करेगा css कोड में। ठीक है, तो css फाइल में यहाँ पे हम लोगों का स्टाइल css फाइल में हम लोगों का css रेंडर होके आएगा,
और हम लोग कोड लिखेंगे ये इनपुट SCSS फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले देता हूँ, एक डिव क्लास क्रिएट करते हैं मेन कंटेंट, और इसके अंदर मैं कुछ HTML एलिमेंट्स देता हूँ, ठीक है। तो मैं H1 टैग दिया, इसके अंदर कुछ टाइटल देते हैं। तो यहाँ पे मैं रिसेंटली एवेंजर्स एंड गेम देख के आया हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे उसके ही बारे में कुछ लिखता हूँ, एवेंजर्स एंड गेम वॉज ऑसम, सो दैट वॉज़ रियली ऑसम। और उसके बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि कास्ट योर वोट फॉर द बेस्ट एवेंजर, ओके। तो यहाँ पे बेस्ट एवेंजर कौन है उसके लिए कुछ वोट कास्टिंग के लिए बोल रहा है। करंटली हम लोगों के यहाँ पे इलेक्शन का भी मौसम चल रहा है, तो इसीलिए वोट करना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ये मेंशन किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, कौन बेस्ट एवेंजर है वही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ सबमिट नहीं होने वाला है, ये जस्ट फॉर डिज़ाइन पर्पस मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ULLI दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एवेंजर्स का नाम दूंगा, तो मैं ये 6 नाम ही दिया हूँ, ठीक है। तो इसी में ही हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। बाय द वे, फॉर मी बेस्ट एवेंजर इज आयरन मैन, और कैप्टन अमेरिका भी बहुत बढ़िया था ये फिल्म में, तो मुझे दोनों ही बहुत पसंद आया। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं इसको चेक करके देखता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो फ़िलहाल इस पे इसके ऊपर मैं कुछ भी डिज़ाइन अप्लाई नहीं किया हूँ, तो अभी डिज़ाइन अप्लाई करते हैं सैस यूज़ करके। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वेरिएबल देखेंगे। तो वेरिएबल में क्या होगा, तो वेरिएबल हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे डॉलर साइन देके, ठीक है। उसके बाद मैं दे रहा हूँ प्राइमरी कलर, और प्राइमरी कलर में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा गोल्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे गोल्ड कलर यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि हम लोग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग CSS में जैसे कोड लिखते थे उसी हिसाब से भी यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CSS का सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रहा है, और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे SASS का कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं पहले दिखाता हूँ कि H1, मैं यहाँ पे H1 दिया हूँ, तो H1 के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फॉन्ट साइज़, ठीक है। फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे देता हूँ 26 पिक्सल, और कलर मैं यहाँ पे देता हूँ क्या दूँगा, प्राइमरी कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे जो डिफ़ाइन किया था वेरिएबल, तो मैं अभी इसको सेव किया। तो सेव करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिंक किए हैं स्टाइल CSS फाइल को, लेकिन फ़िलहाल अगर स्टाइल CSS फाइल हम लोग देखते हैं तो ये तो एम्प्टी है, हम लोग कोड लिखे हैं SCSS फाइल के अंदर। तो इसको अभी हम लोगों को कंपाइल करना होगा CSS के अंदर। तो CSS में कंपाइल करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो डायरेक्टरी है इस डायरेक्टरी के अंदर हम लोगों को कमेंट लाइन ओपन करके कुछ कमेंट्स देना होगा, ठीक है। तो वो कमेंट क्या होगा, तो मैं यहाँ पे कमेंट लाइन ओपन किया हूँ अपने कोड एडिटर में, यहाँ पे हम लोगों को कमेंट देना होगा SASS, उसके बाद हम लोगों का जो सोर्स फाइल है सोर्स फाइल को मेंशन करना होगा। तो मैं करंटली कहाँ पे हूँ, मैं करंटली अपने डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट के अंदर मेरा जो सोर्स फाइल है वो सोर्स फाइल है SCSS डायरेक्टरी के अंदर, तो मुझे देना होगा SCSS/input.scss, तो मेरा सोर्स फाइल डिफाइन हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का आएगा आउटपुट फाइल, तो आउटपुट फाइल भी कहाँ पे है, CSS डायरेक्टरी के अंदर है style.css, ठीक है। तो ये हम लोगों का कोड है। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे देखिए कुछ तो नहीं है, एम्प्टी है। और अभी मैं यहाँ पे टर्मिनल में ये कमेंट दे दिया हूँ SASS, उसके बाद सोर्स फाइल, उसके बाद आउटपुट जहाँ पे आएगा उसका फाइल, ठीक है। तो इसको मैं एंटर कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए H1 आया है फॉन्ट साइज़,
हम लोगों का 26 पिक्सल और कलर आ गया हम लोगों का यहाँ पे, जो हम लोग वेरिएबल में डिफाइन किए थे वो कलर यहाँ पे मेंशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग रन किए हैं। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके, तो रिफ़्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं और प्राइमरी कलर मैं इसको गोल्ड नहीं, इसको दूसरा कलर करते हैं, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रहा है तो मैं इसको ब्राउन कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखिए आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने के बाद कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग कलर तो चेंज किए थे। तो कलर हम लोग कहाँ पर चेंज किए थे और ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हम लोग कहाँ पर दिए थे, हम लोग ये SCSS फाइल में दिए थे। तो अगर मैं स्टाइल CSS फाइल में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे वो चीज़ तो अपडेट नहीं हुआ है। तो ये अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, ये अपडेट करने के लिए हम लोगों को ये कमांड फिर से रन करना होगा। ठीक है, तो ये कमांड अगर हम लोग फिर से रन करते हैं तब जाके यहाँ पे देखिए अभी ये अपडेट हो चुका है। तो क्या हम लोग बार बार जितना बार भी कोड देंगे SCSS फाइल में उतना टाइम हम लोग ये कमांड एंटर करते जाएंगे? तो ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और रिपीटेटिव टास्क हो जाएगा। तो ये रिपीटेटिव टास्क हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपर के हिसाब से हम लोग कुछ एडवांटेज तो ऑब्वियसली लेंगे, है ना। तो उसके लिए एडवांटेज है, यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग जैसे कि दिया है SASS इनपुट फाइल और उसके बाद आउटपुट फाइल, है ना। तो उसके बीच में हम लोग देंगे वॉच, ठीक है, डबल हाइफ़न वॉच, ये अगर हम लोग दिए तो अभी क्या होगा, ये कोड देने के बाद देखिए SASS इज वॉचिंग फॉर चेंजेस। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी जितना भी हम लोग कोड चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, हम लोगों को बार बार ये कमांड रन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया वॉच का। तो अभी मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ, तो अभी देखिए तो अभी ये अपडेट हो चुका है। तो ये हम लोग वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं ये हम लोग देख लिए। तो इसके बाद हम लोगों को देखना है कि हम लोग नेस्टेड कोड कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो नेस्टेड कोड कैसे लिख सकते हैं उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, ये जो डिव क्लास मेन कंटेंट है, ये मेन कंटेंट के अंदर है ये H1, P, and UL, ये जितना भी एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले लिखूँगा मेन कंटेंट और उसके बाद जो कर्ली ब्रेस ओपन होगा वहाँ पे उसके अंदर मैं ये H1 को लिख सकता हूँ। ठीक है, तो H1 कहाँ पे है, मेन कंटेंट के अंदर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे अगर आते हैं स्टाइल CSS में तो ये अपडेट हो चुका है, कहाँ पे, मेन कंटेंट के अंदर H1 में, मेन कंटेंट H1। ठीक है, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे P के लिए भी कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ फॉन्ट साइज़, यहाँ पे मैं 14 पिक्सल देता हूँ। तो अगर मैं इसको अपडेट करके देखता हूँ तो देखिए ये छोटा हो गया, तो मैं इसको छोटा नहीं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, तो 18 कर दिए, तो ये बड़ा हो चुका है। मैं फॉन्ट साइज़ को और भी थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो ये अभी देखने में अच्छा लग रहा है। तो और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे कैसे मैं स्ट्रक्चर किया हूँ, UL LI उसके बाद लेवल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लेवल के अंदर हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे UL होगा, उसके अंदर LI होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग कैसे नेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, UL LI, तो LI में मैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल कुछ नहीं रखूँगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए लेबल है। ठीक है, और लेबल में यहाँ पे मैं कलर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर दूँगा, उसके लिए मैं और एक कर लेता हूँ सेकेंडरी कलर और यहाँ पे मैं देता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेकेंडरी कलर। तो इसको मैं सेव किया, तो अभी देखते हैं रिफ्रेश करके, तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कोड ये कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में है, जहाँ पे क्या हो रहा है,
अगर मैं इसका कंपाइल्ड वर्जन देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेन कंटेंट पी है, मेन कंटेंट ULLI है और मेन कंटेंट ULLI लेवल है, ठीक है। ये अलग अलग कोड जनरेट हो चुका है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मेन कंटेंट का जो सेक्शन है उसी सेक्शन के अंदर हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कोड मैनेज भी बहुत अच्छा हो रहा है, कोड मैनेजमेंट। और यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन जो है ये UL के अंदर देखिए मैं LI दिया, LI के अंदर मैं यहाँ पे CSS कोड भी अप्लाई किया हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेस्टेड एलिमेंट जो है उसको भी डिफाइन कर दिया हूँ। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना ऑर्गेनाइज वे में हम लोगों को जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इस तरीके से काम करते हैं तो इसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर ये हम लोग यूज़ किए हैं। तो ऐसे करके क्या होता है, एक प्रोजेक्ट के अंदर आपका थीम कलर चार पांच कलर रहता है, तो चार पांच कलर हम लोग यूज़ करेंगे बहुत ही जगह पे, मल्टीपल एरियाज़ में यूज़ होगा। अगर आपका कस्टमर कलर्स पे कल जाके कुछ चेंजेस चाह रहा है तो क्या करना होगा, अगर आप CSS पे करते हैं तो आपको जाके पूरा जितना भी जगह पे है, मान लीजिए कि आपका 2000 लाइन्स ऑफ कोड है CSS का और उसके अंदर कम से कम 50 जगह पे तो आपका कलर मेंशन किया हुआ रहेगा, तो हर एक जगह पे जाके आपको चेंज करना होगा तो वो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वेरिएबल यूज़ करते हैं तो अगर आप एक वेरिएबल के जगह पे जाके कलर कोड को चेंज कर देते हैं तो वो कलर कोड जितना भी जगह पे यूज़ किया गया है रहेगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये चुटकी का काम है ना। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल देखें, नेस्टेड देखें और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोड मॉड्यूलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोड मॉड्यूलेशन के लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे मैं SCSS के अंदर क्रिएट करता हूँ colors.scss बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंडरस्कोर यूज़ करके नाम दिया हूँ, तो इसको पार्शियल्स बोला जाता है, ठीक है। तो पार्शियल्स में क्या होता है, अंडरस्कोर देके यूज़ करने से इसको पता अंडरस्कोर देके यूज़ करने से पता चलता है कि ये मेन फाइल नहीं है, ठीक है, ये पार्शियल्स के हिसाब से है यहाँ पे। और उसके बाद वो एक्चुअली रेंडर हो रहा है, वो एक्चुअली लिंक हो रहा है ये मेन SCSS फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं colors.scss में क्या करता हूँ, ये जो मैं कलर्स डिफाइन किया हूँ वो कलर्स को मैं ये colors.scss के अंदर दे दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लिंक करूँगा, तो लिंक कैसे करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट और यहाँ पे जाएगा कलर्स, ठीक है। तो अगर अभी मैं इसको सेव किया और अभी मैं जाके देखता हूँ मेरा स्टाइल CSS, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही कलर्स फिर से है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इम्पोर्ट नहीं करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर दिया, तो अभी देखिए यहाँ पे एरर आ गया कि ये प्राइमरी कलर वेरिएबल्स अनडिफाइंड है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको इम्पोर्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए मैं ये इम्पोर्ट पे ये अंडरस्कोर भी नहीं दिया हूँ और एक्सटेंशन नेम भी नहीं दिया हूँ, क्योंकि इसी हिसाब से हम लोग पार्शियल्स को डिफाइन करते हैं। पहला जो अंडरस्कोर है वो अंडरस्कोर हम लोगों को इम्पोर्ट के टाइम में नहीं देना पड़ता है और एक्सटेंशन भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि SCSS में ही हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर दिया हूँ, तो अभी मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे था उसी हिसाब से ही ये दिखा रहा है। तो हम लोगों का कोड यहाँ पे अब देख रहा है कि एक ऑर्गेनाइज वे में जा रहा है ना। तो यही था ट्यूटोरियल, ये भी काफ़ी हद तक लंबा हो चुका है। तो ये मेरा part 1 है, part 2 के लिए आप वेट करिए, जल्दी आने वाला है। और आप अगर बाद में देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी आ चुका है, अभी वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा तो और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा। तो यही था ट्यूटोरियल, तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ जानकारी मिला, आप कुछ सीख पाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और bootstrap 4 के ट्यूटोरियल के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड है वो भी कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप का और भी ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ इसी ट्यूटोरियल का सेकेंड पार्ट में, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।